नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सूरज कुमार। वाहन मॉडिफाई करने वाले जाएंगे जेल, 1 लाख तक का लग सकता है जुर्माना। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने की तैयारी की जा रही है। वही ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों को मॉडिफाई करने वाले गैरेज संचालकों और इसके लिए सामान बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर ट्रैफिक पुलिस पहले उन्हें धारा 291 के तहत नोटिस देगी। इसके बावजूद अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इस संबंधित लोगों पर धारा 182(a)(3) संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके तहत ट्रैफिक पुलिस मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय से अनुरोध भी करेगी। वहीं जब्त सामान को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत भी किया जाएगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने धारा 291 के तहत नोटिस का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। यह नोटिस छपने के बाद ट्रैफिक थाना प्रभारी चिन्हित किए गए गैरेज और सामान बेचने वाले को यह नोटिस देगी। वहीं ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ध्वनि प्रदूषण करवाने वालों को कार्रवाई जरूरी है। वहीं लोग अत्यधिक आवाज के लिए वाहन के साइलेंसर में बदलाव करते हैं या किट लगाते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है। ट्रैफिक पुलिस ने यह गतिविधि को रोकने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी जो वाहन को मॉडिफाई करते हैं और उससे संबंधित सामान बेचते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि अब राजधानी में वाहन मॉडिफाई करने वाले जाएंगे जेल, 1 लाख का पड़ सकता है जुर्माना।